हेलो प्रेम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रेम पेपल अकाउंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग या फिर स्टेप कह लो फ्रेंड, जो कि काफ़ी जरूरी था पेपल अकाउंट के अंदर कंप्लीट करना। ऐसे में अगर आप पेपल अकाउंट का यूज करते हो और आपका पैसे आते हैं फ्रेंड और पेपल से आपका बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव नहीं हो पाते, रिटर्न चला जाते, कई बार होल्ड हो जाते, बहुत तरह की प्रॉब्लम आता फ्रेंड, फिर आप लोग यूट्यूब में वीडियो सर्च करने लगते हो, देखने को लग जाते हैं। आज का इस वीडियो को छोटा सा कंप्लीट देखेंगे फ्रेंड, तो मैं कुछ सही सही इंफॉर्मेशन दूंगा जहाँ से आप लोग सही स्टेप फॉलो करोगे तो फ्रेंड आपका पेमेंट का भी होल्ड नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा फ्रेंड, डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट के सही से रिसीव हो जाएगा, किसी तरह से दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो चलिए फिर हम वीडियो करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले आपको ब्राउजर के अंदर अपना पेपल अकाउंट को कर लेना लॉगिन, लेकिन उससे पहले वीडियो कंप्लीट देख के रख लेना फिर, ताकि आने वाले टाइम में आपका जो पेमेंट हो पेपल के अंदर का भी होल्ड नहीं होगा, डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। उन सारे स्टेप को इंपॉर्टेंट है जो जरूरी आप लोग को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, वो चीज़ें मैं बताऊंगा पेपल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपना पेपल अकाउंट ओपन कर लिया हूँ ब्राउजर के अंदर। अब मैं बात करता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपल अकाउंट के अंदर, वही चीज़ें करना आप लोग को बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये इंडिविजुअल अकाउंट है, भले आपका बिजनेस अकाउंट है तो पेमेंट को रिसीव करने के लिए आपका बिजनेस अकाउंट बना लेना है। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकते और सेंड नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप लोग को याद रखना। अगर आप इंडियन कंट्री से अंदर देख रहे हैं तो पेपल का बिजनेस अकाउंट बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिजनेस अकाउंट नहीं बनाओगे तो इस टाइप की आपका ऊपर बैनर दिख जाएगा, वेरीफाई योर अकाउंट टू एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम ओवरसीज कस्टमर्स, इस टाइप की कुछ देखने को आपको मिल जाएगा बैनर जैसा एरो, साथ में एक आइकन दिख जाएगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल के अंदर वीडियो बना दी हूँ, जाकर उस वाले वीडियो को आप लोग को देख लेना। अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट हो और फिर पेपल का इंडिविजुअल टाइप का अकाउंट यूज करते हो, बिजनेस अकाउंट नहीं बनाए हो, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए वीडियो आप लोग को देख लेना है। नहीं देखोगे तो फिर आपका पेमेंट आपका रिसीव नहीं होगा, होल्ड हो जाएगा, ये चीज़ें याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज मैं इसका बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, चैनल के अंदर मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो पेपल अकाउंट के अंदर एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक किया हुआ पेपल यहाँ पे, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी जो आपका पेमेंट है वो रिसीव नहीं होगा बैंक अकाउंट के अंदर। और भी स्टेप जरूरी है, जो पहला स्टेप है वो है बैंक अकाउंट को कन्फर्म करना और लिंक करना, लिंक करने के बाद आपका KYC करना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूजर का एक डाउट होते कन्फर्म उसको नहीं हो पाते कि जो बैंक अकाउंट है मैंने लिंक कर दिया पेपल के अंदर और मेरा जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे यूजर सोचते क्या मेरा पेमेंट अब रिसीव हो जाएगा बिना KYC किए। लेकिन KYC करना बहुत जरूरी है, जब तक आप लोग पेपल अकाउंट के अंदर KYC नहीं करोगे तब तक आपका पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होगा, होल्ड हो जाएगा, रिटर्न चला जाएगा, ये चीज़ आप लोग को याद रखना। बिना KYC किया पेपल के अंदर कोई भी पेमेंट को रिसीव नहीं कर पाओगे, कोई भी अगर डॉलर पेमेंट आते पेपल अकाउंट के अंदर तो ये आप लोग के अकाउंट के अंदर ही नहीं आएगा, ना आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, सीधे रिटर्न चला जाएगा उसी बिजनेसमैन के पास जहाँ से आपका पेपल के अंदर जो भी पेमेंट आएगा, जो भी यानी कि फंड होते हैं वो आपको रिटर्न चला जाएगा, रिसीव नहीं होगा। तो आपको ये गलती नहीं करना, आपको बैंक अकाउंट को लिंक करके रख लेना है, कंफर्म भी करके रख लेना है। अगर कंफर्म नहीं करोगे तो पेपल अकाउंट के अंदर आपका जो पेमेंट होगा वो होल्ड होकर रह जाएगा यानी कि रुक जाएगा, लेकिन बाद में कंफर्म करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप KYC नहीं करोगे तो पेपल अकाउंट के अंदर पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होगा, KYC करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं ले चलता हूँ पेपल अकाउंट के अंदर KYC वाले ऑप्शन के ऊपर, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, पूरा देखना कैसे स्किप नहीं करना है और KYC कैसे करना क्या करना उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी हूँ, पर इस वीडियो में थोड़ा आप लोग को जानकारी दे देता हूँ ताकि आपका पेमेंट होल्ड किसी तरह से ना हो और सही से आपका रिसीव हो जाए। पर फाइनली मैंने KYC वाले ऑप्शंस के ऊपर आ चुके, वीडियो को स्किप किए क्योंकि कहीं थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के KYC वाले ऑप्शंस के ऊपर आना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट योर KYC लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट KYC एक बटन और लर्न मोर पर आप क्लिक करके जान सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो के अंदर जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल के अंदर, वो वाले वीडियोज को आप लोग को देख लेना। यहाँ पे देख सकते वेरीफाई योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन और गेट स्टार्ट के ऊपर आप लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले KYC का जरूरी है वो चीज़ें मैं वीडियो के अंदर बता देता हूँ सारी चीज़, ताकि आप लोग को वीडियो लॉन्ग ना हो। एक बैंक अकाउंट को लिंक करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपका जो ग्रीन टिक हो जाएगा, साथ में एक प्रपोज कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी कंफर्म में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ जरूरी है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ इंडियन कंट्री के अंदर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे टू बी वेरीफाइड सर, इसका कहने का मतलब है जो आधार कार्ड है वो आपका पैन कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए तभी ये लोग आपका KYC को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे अपलोड करना है, बहुत सारे यूजर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं भी दिखाई देगा क्योंकि डायरेक्टली आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और KYC सबमिट हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आता है तो यहाँ पे आप पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स को आगे साइड को खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना है डायरेक्टली। तो इस वाले वीडियोज के ऊपर जाके देखोगे तो बहुत सारे से मैंने डिटेल में बता दिया हूँ कैसे KYC करना, कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है सारी चीज़ें के अंदर। इसमें मैंने सिंपल जानकारी देना था, बहुत सारे यूजर सोच रहे थे इसलिए कि मैंने बिना KYC किए पेपल अकाउंट के अंदर जो मेरा पैसे है वो रिसीव हो पाएगा या नहीं, तो मैं बता दूं बिना KYC किए आपका पेमेंट कभी भी रिसीव नहीं होगा। जब तक आप KYC नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट के अंदर रिसीव नहीं होगा, ना पेपल अकाउंट में रिसीव होगा ना आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो आपको KYC करना जरूरी है और बैंक अकाउंट को लिंक करना जरूरी है, यहाँ पर प्रपोज कोड भी सेलेक्ट करना जरूरी। 4-5 यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखोगे तभी आपका सारे पैसे रिसीव होगा बैंक अकाउंट के अंदर पेपल अकाउंट के अंदर और कहीं रिटर्न और प्रॉब्लम नहीं
नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप लोग को करके जो रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड, तो सारी चीज़ें कर लेना। KYC वाले वीडियो आपको चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख लेना है, और ये इंडिविजुअल टाइप अकाउंट को आपको बिजनेस में अपग्रेड कर लेना है, तभी आपका जो पेमेंट है वो रिसीव होगा, नहीं तो आपका इंडिविजुअल टाइप में पेपल से कोई भी पैसा रिसीव नहीं होगा। तो फिर ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर भी पेपल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा फिर तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताना।